हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ लक्ष्य। आज के इस वीडियो में हम एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि होगा हमारा नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल के रिलेटेड, जो कि पूरा का पूरा MongoDB के ऊपर हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि MongoDB होता क्या है। MongoDB एक डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है जिसमें हम कलेक्शंस के थ्रू डेटा स्टोर करते हैं की वैल्यू पेयर में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिकल्स और देखते हैं कि उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, आज के इस प्रैक्टिकल में हम MongoDB का जो बेसिक्स है ना, ABC, ये सारे प्रैक्टिकल को कवर करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ए वाला क्वेश्चन क्या है, राइट अ MongoDB क्वेरी टू क्रिएट एंड ड्रॉप डेटाबेस। तो चलिए हम अपना जो ए वाला प्रैक्टिकल है उसे स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, मैं फाइल एक्सप्लोरर ओपन करूँगी। उसके बाद जहाँ पे मेरा MongoDB का फोल्डर है वहाँ पे मैं क्लिक करूँगी। जैसे कि मेरा विंडोज़ सी में है तो मैं विंडोज़ सी को क्लिक करी। उसके बाद मुझे प्रोग्राम फाइल्स पर क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे हमें सर्च करना होगा MongoDB। तो यहाँ पे मैंने MongoDB सर्च किया और क्लिक किया उस पर। फिर उसके बाद सर्वर, देन उसके बाद वर्जन दिखाएगा आपको, उस पर क्लिक करना है। देन बिन पर क्लिक करना है। बिन के अंदर आ जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कर्सर रख के आपको CMD लिख देना है। उसके बाद आपके सामने ऐसे एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो मेरा MongoDB है ना, वो 6.0 वर्जन का है। तो इसमें अगर मुझे सर्वर और डेटाबेस को एक्टिवेट करना होगा तो मुझे अलग अलग प्रॉम्प्ट में MongoDB या फिर मोंगो नहीं लिखना होगा। यहाँ पर मैं सिंपली करूँगी क्या, यहाँ पे अगर मैं सिंपली MongoSHB लिख देती हूँ ना, तो मेरा सर्वर और जो डेटाबेस है वो एक ही पेज में स्टार्ट हो जाएगा। पर अगर आप 4.0 या फिर 4.5 वाला वर्जन यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर आना होगा। यहाँ पर आने के बाद CMD लिखना होगा। तो एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगी, वहाँ पे आपको MongoDB लिखना होगा बिना स्पेस का, और उसे वैसे ही छोड़ देना है, बैकएंड में वो चलती रहेगी। फिर से आपको यहाँ पर आना होगा और यहाँ पर क्लिक करके CMD वापस लिखना होगा, और एक नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगी ना, वहाँ पे आपको सिंपली मोंगो लिखना होगा। उससे होता क्या है, जो कि पुराना वर्जन था ना हमारा MongoDB का, तो उसमें हमें सबसे पहले सर्वर को एक्टिवेट करना होता था, उसके बाद डेटाबेस काम करती थी। पर जो नए वर्जन से उसमें वैसे कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली MongoSH लिख दोगे तो आपका सर्वर और डेटाबेस एक ही पेज में ओपन हो जाएगी। तो आपको डिफरेंस समझ में आई ना, अगर कोई डाउट होगी तो फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। तो चलिए हम अपना जो क्वेरी हम लिखने वाले थे वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कहा था, राइट अ MongoDB क्वेरी टू क्रिएट एंड ड्रॉप डेटाबेस। तो सबसे पहला जो हमारा एम है वो कि एक डेटाबेस बनाना है और उसे गिराना है, ओके तो मतलब ड्रॉप करना है वही। तो MongoDB में कोई डेटाबेस क्रिएट करने के लिए एक कीवर्ड होती है यूज़ करके। उसके बाद आप कोई भी नाम दे सकते हो आपके डेटाबेस का, जैसे मैं दे देती हूँ ऑफिस। तो यहाँ पे यूज़ ऑफिस लिख के आपको सिंपली एंटर कर देना है। तो यहाँ पे देखिए स्विच टू DB ऑफिस, मतलब आपका जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ, MongoDB में ना आपको डेटाबेस क्रिएट करने के लिए और डेटाबेस से स्विच होने के लिए ना, दोनों के लिए यूज़ कीवर्ड ही यूज़ होती है। तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ओके। तो यहाँ पर हमने देखिए एक डेटाबेस ऑफिस नाम का क्रिएट कर लिया है। इसके अंदर हमें कलेक्शंस क्रिएट करना होगा, उसके अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे। तो उसके लिए एक कलेक्शन नेम देना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये सिंटेक्स लिखना होगा, db.createCollection, और यहाँ से पैरेंथेसिस ओपन करके उस कलेक्शन का नाम देना है आपको। तो यहाँ पे ऑफिस के अंदर कौन होते हैं, एम्प्लॉय। तो यहाँ पे मैं सिंपली EMP लिख देती हूँ, जो कि हमारा कलेक्शन नेम होगा, और यहाँ से इसे क्लोज करके पैरेंथेसिस को एंटर कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा OK1 का क्वेरी आ गया, इसका मतलब जो हमारा कलेक्शन नेम है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो अभी हमने किया क्या, यहाँ पर तो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट की ऑफिस नाम का, उसके बाद हम लोग ने कलेक्शन EMP करके कलेक्शन का नाम दे दिया। अभी हम करेंगे क्या, हमारे ऑफिस वाले डेटाबेस के जो कलेक्शन के अंदर हम डेटा इंसर्ट करेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे को मेरे जो भी एम्प्लॉय है उसका नेम चाहिए, ID चाहिए और एज चाहिए और सैलरी चाहिए, तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, यहाँ पे हम क्वेरी कैसे लिखेंगे इंसर्ट करने के लिए, db डॉट
कलेक्शन नेम, तो हमारा कलेक्शन नेम क्या है, ई एम पी है, वो हमारा कलेक्शन नेम होगा। तो यहाँ पर कलेक्शन नेम लिख देने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको इंसर्ट लिखना होगा। इंसर्ट करने के बाद आपको पैरेंथेसिस ओपन करना है, देन कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि जो MongoDB का जो MongoDB में जो क्वेरी है ना वो JSON फॉर्मेट में होता है, इसके लिए हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। तो मैंने क्या कहा था, हमें कौन कौन से डेटा चाहिए यूज़र से, उसका ID, नेम, एज और सैलरी, तो ये चार चीज़ हम इंसर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ID इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे लिखूँगी EMP ID और कोलन, और ये इंटीजर है इसके लिए ऐसे ही लिख देना है। एक एम्प्लॉय ID हो गया, अभी एम्प्लॉय नेम चाहिए तो EMP name, फिर ऐसे कोलन, ये स्ट्रिंग है इसके लिए हमें डबल कोट्स के अंदर पास करना होगा, तो यहाँ पर नाम लिख देती हूँ एम्प्लॉय का। उसके बाद मैंने क्या कहा था, एज के लिए एज क्वेरी पास कर देते हैं। उसके बाद हम लिख देते हैं एज 20 और सैलरी हम दे देते हैं 15,000, ओके। और यहाँ से कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करके और यहाँ से पैरेंथेसिस को भी क्लोज कर देते हैं और यहाँ से एंटर करते हैं। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक मैसेज आया, एक्नॉलेज थ्रू इंसर्टेड 0, मतलब जो आपका डेटा है वो ये कलेक्शन में इंसर्ट हो चुकी है। तो ऐसे ही मैं 2-3 डेटा इंसर्ट कर देती हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए आपको कोई भी क्वेरी लिखने के लिए आपको बार बार पूरा वो क्वेरी को लिखने से अच्छा ना आपके जो कीबोर्ड होंगे ना उसमें पेज अप पेज डाउन का बटन होगा, तो आपको सिंपली पेज अप के बटन पर एक बार क्लिक करना है, तो जो भी आपका प्रीवियस क्वेरी होगा ना वो यहाँ पर आ जाएगी वापस। तो यहाँ पर ही आप सिंपली उस पर ही एडिट करते जाना, बार बार लिखोगे ना तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट क्वेरीज चेंज कर देती हूँ, जो हमारा डेटा है वो चेंज कर देते हैं। ये होने के बाद आपको सिंपली एंटर कर देना है, ओके। ऐसे ही मैं और 3-4 डेटा इंसर्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं क्वेरीज बार बार नहीं लिख रही हूँ, जो हमारा पुराना क्वेरी था उसको ही मैं एडिट करते जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा 4 क्वेरी हो गया है। तो अभी हम करेंगे कि अभी हमने अपने कलेक्शन के अंदर डेटा तो डाल दिया, पर वो डेटा कैसे दिख रहा है उसके लिए हम डिस्प्ले करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम फाइंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए कैसे लिखना होगा आपको क्वेरी, db. जो भी आपका कलेक्शन नेम होगा वो आपको डालना होगा, .find ऐसे लिख देना होगा और सिंपली एंटर करना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपने जो भी डेटा यहाँ पे इंसर्ट किया था वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग ने आज किया क्या, सबसे पहले तो हम लोग ने एक डेटाबेस बनाए, डेटाबेस बनाने के बाद एक कलेक्शन नेम दे दिया, कलेक्शन नेम क्रिएट किए उसके अंदर, फिर हमने डेटा इंसर्ट भी कर लिया और यहाँ से हमने डेटा डिस्प्ले भी कर लिया। तो हमारा मेन एम क्या था प्रैक्टिकल ए का, कि हमें एक डेटाबेस को क्रिएट करना है और डिलीट भी करना है, ओके। तो मैं अभी चाहती हूँ कि ये जो मेरा डेटाबेस है, अगर ये डेटाबेस को मुझे कम्प्लीटली डिलीट करना है ये डेटा के साथ एक साथ, तो उसके लिए क्वेरी क्या होगा, यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगी db. और यहाँ पे लिखूँगी ड्रॉप डेटाबेस। MongoDB केस सेंसिटिव होता है, तो आप उसके अपर केसेस और लोअर केसेस देख के कोड कीजिएगा, ओके। नहीं तो ये इनफाइनाइट लूप में चल जाएगी, फिर आपको पूरा कोड वापस करना होगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको एक क्वेरी पास करना होता है db.dropDatabase और यहाँ से एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको एक मैसेज आ गया, OK1 ड्रॉप्ड ऑफिस। तो यहाँ पर हम एक और बार अपने डेटा को देखने के लिए हम कैसे सिंटेक्स लिखते हैं, db. जो भी हमारा कलेक्शन नेम होगा .find ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं db और हमारा कलेक्शन नेम था m.find और यहाँ से ऐसे। फिर यहाँ पे देखिए हमें कोई भी डेटा नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने ड्रॉप डेटाबेस किया, तो उसने किया क्या, जो भी हमारा डेटा था ना उसने सारा वो डिलीट कर दिया और अभी हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, मतलब वो डेटाबेस एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आपको वापस अगर डेटा डालना होगा तो आपको ये इंसर्ट वाला स्टेटमेंट लिखना होगा, जो कि कुछ ऐसे है,
db.m.insert, फिर जो भी वैल्यू आप पास करना चाहते हो वो। ओके तो यहाँ पर हमारा पहला वाला प्रैक्टिकल 1A तो कंप्लीट हो गई। अभी नेक्स्ट वाला क्या है, राइट अ मोंगो डीबी क्वेरी टू क्रिएट डिस्प्ले एंड ड्रॉप कलेक्शन। तो ये भी हम लोग ने कर ही लिया, अभी क्रिएट भी कर लिए, डिस्प्ले भी कर लिए, ड्रॉप भी कर लिया, तो वो भी कवर हो चुका है उसमें। देन व्हाट इज द थर्ड वन, सी वाला, राइट अ मोंगो डीबी क्वेरी टू इंसर्ट क्वेरी अपडेट एंड डिलीट अ डॉक्यूमेंट। इसमें हमें इंसर्ट करना है, अपडेट करना है एंड डिलीट करना है क्वेरीज को अपने डॉक्यूमेंट में MongoDB में। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो इंसर्ट करके दिखा देती हूँ। इंसर्ट करने के लिए मैंने आप कहा था कि हमारा सिंटेक्स क्या होता है, डीबी डॉट कलेक्शन नेम आपने जो भी दिया होगा वो लिखना होगा, डॉट इंसर्ट, और यहाँ से पैरेंथेसिस ओपन करके कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद जो जो आप वैल्यूज अपने डेटाबेस में इंसर्ट करना चाहते हो वो। तो सबसे पहले मैं एम्प्लॉय ID ले लेती हूँ, उसके बाद EMP नेम ले लेते हैं एक, उसके बाद हम ले लेते हैं एज, फिर ले लेते हैं सैलरी, और यहाँ से कर्ली ब्रेसेस क्लोज करके फिर पैरेंथेसिस को भी क्लोज करके एंटर कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा डेटा था वो इंसर्ट हो गया। ऐसे ही मैं एक दो डेटा फटाफट इंसर्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डेटा अपना इंसर्ट कर ली हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना डेटा कैसे दिखता है वो देखने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हम कौन सा सिंटेक्स यूज़ करेंगे, db.collectionName.find, ये हमारा सिंटेक्स होगा हमारा डेटा डिस्प्ले कराने के लिए। ओके तो यहाँ पर देखिए जो हमारा डेटा था वो प्रॉपरली इंसर्ट हो चुका है। अभी मैं चाहती हूँ कि अपडेट करने के लिए, जैसे कि ये देखिए ये जो सेकेंड वाला एम्प्लॉय ID 2 है जो ये मयूरी नाम का है, उसमें मैं चाहती हूँ कि इनका जो सैलरी है वो 35,000 से 40,000 किया जाए। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, हमें अपडेट क्वेरी लिखना होगा, और वो अपडेट क्वेरी कैसे होगी वो भी मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले आपको डीबी डॉट जो भी आपका कलेक्शन नेम होगा वो आपको देना होगा डॉट, और यहाँ से अपडेट लिखना होगा। अपडेट लिखने के बाद आपको पैरेंथेसिस ओपन कर लेना है, देन कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेना है, और यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे डेटाबेस में सारे डेटाबेस में एक चीज़ एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन सबके लिए है जो कि इनका एम्प्लॉय ID है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन पास कर रही हूँ, जो हमारी एम्प्लॉय ID 2 है उनके सैलरी को हमें अपडेट करना है। तो यहाँ पे हमें कंडीशन दे दी है एम्प्लॉय ID 2, उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज करके कॉमा डाल के फिर से कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेना है। ये जो सिंटेक्स अभी लिखने वाली हूँ वो अपडेट के लिए, हर एक स्टेटमेंट जो अपडेट करेंगे उसके लिए यही सिंटेक्स होगा, उसमें एक सेट कीवर्ड यूज़ होती है। ओके ये हमें लिखना होगा, ये हमेशा मैंडेटरी होगा, ये कर्ली ब्रेसेस के बाद से ये सेट मैंडेटरी होगा। तो यहाँ पर सेट लिखने के बाद एक और बात, कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है, और अभी हमें क्या अपडेट करना है, सैलरी को अपडेट करना है ना। तो यहाँ पे मैं सिंपली सैलरी लिखूँगी, और यहाँ पे जो 35,000 है उसके जगह मैं 40,000 चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली वैल्यू को चेंज कर दूँगी 40,000, फिर यहाँ से कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दूँगी, सभी कर्ली ब्रेसेस प्रॉपरली देख के सबको क्लोज कर दूँगी, और यहाँ से पैरेंथेसिस भी क्लोज करके एंटर कर देती हूँ। तो यहाँ पर एक्नॉलेज थ्रू करके आ गया है, इसका मतलब जो हमारा क्वेरी था वो प्रॉपरली अपडेट हो चुका है। तो अपडेट हो गया है पर हम देखेंगे कैसे, तो देखने के लिए डिस्प्ले करने के लिए कौन सा क्वेरी यूज़ करते हैं हम, db.m.find, तो मेरा कलेक्शन नेम एम्प है इसके लिए मैंने एम का db.collectionName.find, और यहाँ से पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी सेकेंड वाली एम्प्लॉय है मयूरी, उनका जो सैलरी था वो यहाँ पर देखिए पहले 35,000 था, और यहाँ पर अपडेट करने के बाद हम इसे 40,000 कर लिए। तो अपडेट का क्वेरी आप लोग को समझ आया ना, अगर नहीं आया होगा तो फिर फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ओके तो यहाँ पर जो हमारा अपडेट का क्वेरी था वो भी हो चुका है, अभी हमें डिलीट का क्वेरी करना है। तो डिलीट के क्वेरी में हम लोग को करना क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखिए मैं चाहती हूँ जो है हमारी एम्प्लॉय ID 4 है जो कि पल्लवी नाम का है, मैं उसे रिमूव करना चाहती हूँ अपने डेटाबेस में से, डिलीट करना चाहती हूँ। तो उसे मैं करूँगी क्या, तो उसके लिए मेरे को सिंपली यहाँ पे लिखना होगा DB और जो हमारा कलेक्शन नेम है वो डॉट रिम्यू। रिम्यू फंक्शन यूज़ होती है कोई भी
डेटा को डिलीट करने के लिए डेटाबेस में से। तो यहाँ पे मैंने डीबी डॉट कलेक्शन नेम डॉट रिम्यू, फिर उसके अंदर हमें पास करना होगा एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी जो है सबका यूनिक है, तो उससे हमारा सिस्टम को पता चल जाएगा जो भी एम्प्लॉय आईडी 4 होगी उसे हमें डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग ने पैरेंथेसिस ओपन की है, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है और यहाँ पे सिंपली लिख देना है ईएमपी आईडी और यहाँ से वो क्वेरी को पास कर देना है, कौन सा एम्प्लॉय आईडी 4 वाला ना, और यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे एक्नॉलेज थ्रू आ गया है, इसका मतलब जो हमारा एम्प्लॉय आईडी 4 है वो डिलीट हो गई होगी। तो चलिए मैं आपको एक बार अपना जो डेटाबेस है उसे दिखा देती हूँ कि वो डिलीट हुई कि नहीं। तो डिस्प्ले करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डीबी डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड, यहाँ से एंटर। तो यहाँ पे देखिए हमारे डेटाबेस में सिर्फ 3 ही डेटा दिख रहे हैं। ओके,